नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं तान्या। अकाली दल के उप प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि दिल्ली कमेटी की जीत एक ऐतिहासिक जीत हुई है। पंजाब में जब भी अकाली दल की सरकार रही है, सिख कौम को कोई भी संकट का सामना आया तो अकाली दल सबसे आगे खड़ा हुआ। जो ताकतें सिख कौम की पीठ में छुरा घूमती आई हैं, वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह दिल्ली कमेटी पर कब्जा करे। दिल्ली कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके ने कहा कि दिल्ली कमेटी के चुनाव दोबारा इसलिए जीत सके क्योंकि श्रोमणी अकाली दल की ओर से जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा किया गया। अकाली दल सिख पंथी दुनिया विच नुमाइंदा जथेबंदी है। अकाली दल दे विच मैं देखा जदों भी सरकारां भी आईयां हैं, एक सोच रही है कि अपनी कौम नूं किवें अगे वधाया जाए, विरसे नूं किवें संभालिया जाए। ताइयों तुसीं देखिया होणी है कि किवें पंजाब विच पंजाब तो बाद जो भी कौम दियां शुभ दिन आए, शताब्दियां आईयां या किते भी सिख कौम नूं किते भी कोई संकट दा काम सामना करना पिया, उत्थे अकाली दल डट के अगे खड़ा। आ जिहड़ी दिल्ली दी जित बड़ी इतिहासिक जित है क्योंकि वो ताकत जिहड़ियां ताकत सिख विरोधी है, पंथ विरोधी है, जिन्होंने पंथ के पिट से छुरा मारिया, पंथ से हमले किए, उन्हां ताकतों का निशाना सी कि असी गुरु घर की किवें ना किवें सेवा संभाल के गुरु घर नूं पंथ नूं कमजोर किया जाए। पर सिख संगत ने हर बार इन्हां ताकतों नूं पछाणिया। ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। यमुनानगर के DPS स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा उर्वशी दुग्गल ने शूटिंग चैंपियनशिप में हरियाणा का नाम रोशन कर महिला दिवस से पहले ही जिले को तोहफा दे दिया है। दरअसल उर्वशी दुग्गल ने जूनियर एयर पिस्टल में शूटिंग चैंपियनशिप पुणे में 4th स्थान हासिल किया है। इस चैंपियनशिप में कुल 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। देश के कोने कोने से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था, जिसमें उर्वशी ने 4th रैंक हासिल कर हरियाणा का नाम रोशन किया। क्योंकि ये देश में उसका 4th रैंक था तो वहीं हरियाणा में उसने 1st स्थान हासिल किया है। स्कूल की मैनेजमेंट उसका पूरा खर्च उठाकर उसे हर साल में एक अच्छा खिलाड़ी बनाना चाह रही है और उसके लिए स्कूल के भवन में बनी रेंज में खास बंदोबस्त कर उर्वशी का सपना पूरा करने के लिए उसे तैयार किया जा रहा है। मैंने ये शूटिंग चैंपियनशिप नेशनल पुणे में किया, देवर 200 प्लेयर्स और मेरा 4th रैंक आया ऑल ओवर इंडिया और 15 शूटर्स आर सिलेक्टेड फॉर मास्टर्स मेमोरियल मीट। मैंने बस शूटिंग में आई जस्ट वांट अ गोल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल। मैं ये शूटिंग अपने गॉड फादर मिस्टर देवेंद्र दुग्गल के लिए कर रही हूँ और द स्कूल एंड स्टाफ एवरीबॉडी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड दे आर मोटिवेटिंग मी अ लॉट। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू जस्ट ट्रेन मी। ये हमारी बच्ची 10th क्लास में पढ़ती है और इवन इसने स्टेट CBSE नेशनल्स और इस सभी टूर्नामेंट्स के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, 2nd प्लेस आई है, गोल्ड मेडल भी जीता है इसने और उसी की बदौलत हमारे इस बच्ची का सिलेक्शन हुआ है। टॉप जो 15 से इंडियन शूटर्स उसमें 4th रैंक और इवन हरियाणा में इसका 1st रैंक आया है सर इसमें। अब बिल्कुल सर, हमने ये हमारे कोच साहब हैं जो शूटिंग के मिस्टर नवीन, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमने बल्कि एक्सक्यूज़ किया हुआ है इसको क्लासेस से भी ताकि हमारी बच्ची ये और जाके देश और राज्य का नाम रोशन करे।
अमृतसर के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जबरदस्त हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल के अंदर और बाहर डॉक्टरों के खिलाफ नारे भी लगाए। सविंदर कौर ने आरोप लगाया कि पहली बार डॉक्टरों ने सही ऑपरेशन नहीं किया था, जिस कारण जोगिंदर की आंतड़ियों में संक्रमण हुआ। दूसरी तरफ अस्पताल के डॉक्टर पलविंदर सिंह ने बताया कि पहले ऑपरेशन के बाद जोगिंदर के परिजन उसे जबरन डिस्चार्ज करवाकर अस्पताल से घर ले गए थे। मैं कहना चाहनी हूँ कि सानू इंसाफ दिता जाए। इन्होंने डॉक्टर ने साढ़े नाल कीता बहुत ज़्यादा धोखा। इन्हें परेड करन ना जो पहला परेड किया ना, ये अंदर 15x15 की सेंटीमीटर मिलीग्राम की एक मास का टुकड़ा रह गया सी, जिहड़ा इन्हें सानू दस्या ही नहीं। ये जो अल्ट्रासाउंड कराने खड़ते ही तो भी एक डॉक्टर गल्लां करते भी अं की रिपोर्ट बनाईए, अल्ट्रासाउंड वालों भी अं फसा नाल ही उन्होंने भी सद्या जाए, उन्होंने भी एक्शन लिया जाए। बाकी यह जो मेरा फैमिली डॉक्टर है मैं उन्होंने जाकर रिपोर्टा विखाइया, सर फॉल्ट इन्हों का इतों फड़िया गया कि जी अं अपनी जाके परसनली अल्ट्रासाउंड कराई ना निजर वाले को, जी जो गल सी ना वो स्पष्ट हैगी ही। बाकी इन्होंने सानू नहीं दसिया फिर अंदर पीस रह गया वा, फिर सारे 5.5 ग्राम कल सर खून ही इन्होंने जाके ऑपरेट करता। 5.5 ग्राम खून च दसो मैं कौन ऑपरेट करता। इन्होंने साड़ी जी जनानी है ना उन्होंने इन्होंने अपने हाथी मारिया। सानू इहदा इंसाफ चाहिए वा, सानू इंसाफ दिता जाए। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਐਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ, ਹੁਣੇ ਲੈ ਆਓ। 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਰੱਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਦੇਖੀਏ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। राजस्थान पुलिस के एक सिपाही ने अफीम की तस्करी का गोरख धंधा चलाकर वर्दी पर दाग लगाया है। संगरूर में अफीम की तस्करी करने पहुंचे नशे के इस सौदागर को 5 किलो अफीम के साथ संगरूर पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कथित आरोपी कन्हैया लाल इतना दबंग अपराधी है कि किसी को शक ना हो इसलिए अफीम की तस्करी भी वर्दी पहनकर कर रहा था। मीडिया से बात करते हुए कथित आरोपी कन्हैया लाल ने यहाँ राजस्थान पुलिस का सिपाही होने की बात स्वीकारी, वहीं इसको अपनी पहली गलती कहने के साथ ही नो कमेंट्स भी कह डाला। फर्स्ट सिपाही सिपाहियों का कहां पे लगे हुए? उधर राजस्थान में। नो कमेंट्स, मेरे कुछ नहीं बोल, मेरा जी घबरा रहा है, कोई नहीं कहना। मैं नीचे गिर जाऊंगा सब, मेरे को चक्कर आ रहे। चित्तौड़गढ़ दे थाने विच तैनात मुलाजम कन्हैया लाल नू काबू कीता। ये दसनयोग यही है कि ये उत्थों राजस्थान पुलिस का इंपलॉई है, मुलाजम है। ये वर्दी दे विच ही, क्योंकि शक ना होवे, इत्थे लिया के सप्लाई कर रहा है। ये कदों दा करे, इहदी इन्वेस्टिगेशन कीती जा रही है। ओमान सेना के जवान इंडियन सेना के साथ मिलकर आतंकवाद के साथ निपटने के लिए आजकल पठानकोट के साथ लगती पहाड़ियों में ट्रेनिंग ले रही है। यहां पर ओमान सेना के सैनिक व कमांडर मिलकर इंडियन सैनिकों के साथ आतंकवाद का सामना करने के लिए युद्ध अभ्यास कर रही है, जिसकी आज शुरुआत की गई और ये अभ्यास 20 मार्च तक चलेगा, जिसमें दोनों देशों के आंतरिक आतंकवाद से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और ये प्रयोग में आने वाले हथियारों के बारे में भी बताया जा रहा है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।